नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 16 जनवरी है आज, और आज एमसीडी पीआरटी का जो केस है उसकी हियरिंग थी, मतलब कोर्ट में तारीख थी। तो साथियों, आज कोर्ट में क्या हुआ है वो सारी बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। तो साथियों, जो आज कोर्ट में हुआ है वो चीजें मैं आपको बता देता हूं, जिसे सुनकर आपके चेहरे पर जरूर मुस्कुराहट आ जाएगी, आपको एक अच्छी खुशी मिलने वाली है। तो साथियों, आज 16 जनवरी 2019 तो कोर्ट में आज तारीख थी, दूसरी तारीख थी। तो जैसा कि आपको पता है कि डीएसएसबी को अपना पक्ष रखना था, लेकिन जो कोर्ट में हुआ साथियों वो मैं आपको बता देता हूं कि आज कोर्ट में सीधी तारीख मिल गई है 25 अप्रैल की, मतलब 25 अप्रैल की नई तारीख दे दी गई है और कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि रिजल्ट में बाधा नहीं आने वाली, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आसानी से आने वाला है। जैसा कि आपको पता है साथियों, जो ये केस है इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है। हम बात करें जो केस है इसका बहुत बड़ा आधार नहीं है, क्योंकि डीएसएसपी के पास सभी क्वेश्चंस का आंसर है। अगर हम बात करें रिपीटेड क्वेश्चन तो बोल देंगे कि वो हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं जो 30 वाला एग्जाम था, कि चीजें अनएक्सपेक्टेड थी तो उसके लिए बोल देंगे कि नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट दे देंगे। तो साथियों, सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है डीएसएसबी के सामने, और अब ये साफ नजर आ रहा है कि जो डीएसएसबी है रिजल्ट बहुत जल्दी देने वाला है, केस का रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। तो साथियों, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सारी चीजें क्लियर हैं और रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहे हैं। आपको पता होगा कल और आज में दो रिजल्ट आ चुके हैं, तो अब साफ नजर आ रहा है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो साथियों, यही उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके सहयोग की जरूरत पड़े तो आप तैयार रहें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। तो साथियों, बड़ी खुशी मिली आज, और आपको भी बिल्कुल खुशी मिली होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी न्यूज़, अगर आपको अच्छा लगा कि जो कोर्ट में हुआ है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।